फ्रेंड्स, आज की ये जो नाश्ता रेसिपी है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम बनाने वाले हैं। सिर्फ दो ही चीज चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो आज हम बनाने वाले हैं चावल के चीले, लेकिन इन्हें थोड़ा सा हम डिफरेंट बनाने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा कलर दिख रहा है, जिसकी वजह से बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं और बिना किसी नखरे के वो आराम से इसे खाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप चावलों को रात भर भिगो के रखा था। अब ये बढ़िया तरीके से फूल गए हैं, तो इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंडिंग जार में डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम बारीक पेस्ट करना है, तो अच्छे से ग्राइंड कीजिए। थोड़ी देर ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1 बीटरूट। तो छोटे टुकड़ों में काटिए इसे, ताकि आसानी से पिस जाए, या फिर आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो एकदम छोटे टुकड़ों में काट लिया है मैंने इसे, और दोबारा से इसे ग्राइंड कर एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कलर कितना प्यारा आ गया है, और ये हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं इसे। अब इसमें मिलाएंगे नमक, तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और बस 10 मिनट के लिए इस बैटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। इसे साइड रखकर हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाला है, 2 हरी मिर्च को तोड़कर डालेंगे, और मैं यहाँ पर मुट्ठी भर मूंगफली के दाने ले रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी डाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और मैं यहाँ पर 2 चम्मच भीगी हुई चने की दाल ले रही हूँ, इसे भी मिला लेंगे, और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। बस अब सारी चीजों को पेस्ट कर लीजिए, तो अच्छे से ग्राइंड कर एकदम बारीक पीस लेना है। और ये हमारी हेल्दी टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। मैं इसे सर्व करने के टाइम दही मिलाने वाली हूँ, तड़का नहीं दे रही हूँ, लेकिन तड़का डालने से ये और भी टेस्टी बनती है। तो आपकी मर्जी है, आप इसमें सिर्फ दही डालकर इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर इसमें तड़का भी डाल सकते हैं। बैटर को चेक करते हैं, बढ़िया सेट हो चुका है बैटर, थोड़ा सा फूल भी गया है। तो अब इसके हम चीले बनाएंगे। तवा को हल्का गर्म कर लेना है, ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, और इसे ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से हमें 1 चम्मच से या कटोरी से बैटर को तवे पे डालना है, और हल्के हाथों से इसे फैला लेना है। और अब देखिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं हल्का सा ऑयल से इसे ग्रीस कर रही हूँ और पलट ले रही हूँ। तो बस दोनों तरफ से हमें बढ़िया सेकना है इसे। और ये तैयार हो गया हमारा टेस्टी हेल्दी चावल का चीला। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए चटनी के साथ। हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी है दोस्तों, खास तौर पे इस लॉकडाउन के टाइम में, जब ज्यादा चीजें ना हो घर पे, तो जरूर ट्राई करके देखिए इसे। और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो हमेशा की तरह इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।